नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके घर के मुख्य द्वार पर अगर इनमें से कोई भी एक चीज भी है तो माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती, धन धान्य आपके घर में नहीं आता। दोस्तों, कुछ ऐसी वास्तु से जुड़ी चीजें हैं, शगुन शास्त्र से जुड़ी चीजें हैं, जिन चीजों के बारे में मना किया जाता है कि इन्हें मुख्य द्वार के आसपास भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता कि कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें मुख्य द्वार के आसपास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से घिर जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में इसी बारे में बताएंगे कि आपको कौन सी चीजें अपने मुख्य द्वार के आसपास भी नहीं रखनी चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश हो, ना कि आपके जीवन में दरिद्रता आए, दुख आए। चलिए बात करते हैं कि पहली कौन सी चीज है। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई लोग पेंटिंग बनाते हैं या फिर कुछ चित्र बनाते हैं, लेकिन घर के द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। बाकी माता लक्ष्मी की तस्वीर को अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित ही करें। घर की अलमारी के अंदर आप माता लक्ष्मी की तस्वीर या उनसे जुड़ी चीजें रख सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर माना जाता है, ना कि घर के द्वार पर उनसे जुड़ी चीजें रख के उनके प्रवेश को समाप्त किया जाता है। कई लोग क्या करते हैं, फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो माँ लक्ष्मी द्वार से ही चली जाती है, घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप केले के पत्ते की बंदरवार बनाकर देखिए और फिर देखिए कि आपके घर के अंदर लक्ष्मी कैसे प्रवेश करती है। बंदरवार के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी यश वैभव कीर्ति कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार माला माल आपको बना सकता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ताकि आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, ना कि उसका नकारात्मक परिणाम आपको झेलना पड़े। दोस्तों, कई लोगों को ये भी ज्ञान नहीं होता, फैशन के तौर पर फूल पौधे अपने मुख्य द्वार के आगे लगा लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कौन से पौधे उन्हें लगाने चाहिए। दोस्तों, भूल कर भी ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक ही दिन में मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा हो, इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार के आगे नहीं लगाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध फैलाते हों, ऐसे पौधे भी आपको भूल कर भी मुख्य द्वार के पास नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, इस तरह के पौधे एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की तरह होते हैं, इस तरह के पौधे आपके जीवन के अंदर बरकत नहीं आने देते। दोस्तों, इसी तरह कई लोग क्या करते हैं, घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजें लगाते हैं ताकि उनके जीवन के अंदर बरकत बनी रहे और घर में अच्छी चीजों का प्रवेश हो सके। तो दोस्तों, ऐसा करना बहुत शुभ रहता है। घर के मुख्य द्वार पर दोस्तों छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनकी खनखनाहट जो होती है वो माँ लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और साथ ही साथ सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और नकारात्मक चीजें इनकी आवाज सुनकर ही आपके घर के मुख्य द्वार से बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीजें अपने घर के द्वार पर लगाइए और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा मिलता है। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठें, क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती है, खास तौर से शाम के समय, सूर्य अस्त के समय, उस घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। प्राचीन काल से ही मान्यता चली आ रही है, वैसे तो चौखट पर बैठना ही नहीं चाहिए, ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है, उसका आने वाला समय बहुत ही गंभीर बीमारियों से भरा रहता है, और ऐसे घर में कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। लेकिन शाम के समय तो खास तौर पे इसका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए।
दोस्तों इस बात का भी ख्याल रखें कि मुख्य द्वार पर जूते चप्पल यूं ही बिखरे हुए नहीं पड़े होने चाहिए, उन्हें निर्धारित स्थान पर ही रखें और सजा करके रखें। यूं ही बिखरे हुए जूते चप्पल आपकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।